दुनिया के अंदर अपनी ताकत का एहसास कराने वाला भारत, दुनिया के अंदर भारतीयों का सम्मान बढ़ा है प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण, और पूरी दुनिया अपने संकट के समय में भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख करके मानवता के कल्याण की दर्द धरा को बार बार नमन करने के लिए आज उत्सुक दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये वही भारत है। कांग्रेस के शासन में घुसपैठ होती थी, आतंकी घटनाएं घटित होती थी, लेकिन भाइयों बहनों, आपके नए भारत में घुसपैठ नहीं बल्कि आतंकवाद के माद में जाकर के हमारे बहादुर जवान आतंकवादी ठिकानों को तबाह करने का मादा रखते हैं। इस नए भारत को दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देने की ताकत है, और इसीलिए भाइयों बहनों, जब हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है तो राजस्थान तो वीर और वीरांगनाओं की धरती है, भक्ति और शक्ति की धरती है। राजस्थान कैसे इससे वंचित रह सकता है? और इसी के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपका आह्वान करने के लिए। भैया मैंने राजस्थान में ठान किया है इस बार परिवर्तन करके फिर से राजस्थान रहेगा, अवश्य परिवर्तन करेगा, ये ठान चुका है। क्योंकि तुष्टीकरण की जिन हदों को पार राजस्थान की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार कर चुकी है, भाइयों बहनों, राजस्थान जैसा स्वाभिमानी प्रदेश उसको स्वीकार नहीं कर सकता है और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए। मैं तो आपका अभिनंदन करूंगा कि आपने मानदाता बालाजी मंदिर में दर्शन के लिए जो यहाँ की सरकार रोक रही थी, उसके खिलाफ 10 दिनों तक लगातार नाकेबंदी करके सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। मुझे आश्चर्य होता है, ये वही कांग्रेस है, ये वही कांग्रेस है जिसने राम और कृष्ण के अस्तित्व पर भी प्रश्न खड़े किए थे। ये वही तो कांग्रेस है। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण के अस्तित्व को नहीं मानती। और भाइयों बहनों, जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में आई, आपने देखा होगा, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में 500 वर्षों का विकास समाप्त करके अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, कोई संदेह है क्या? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, कोई संदेह नहीं है ना? तो भाइयों बहनों, जब संदेह मोदी जी के किसी कार्य में नहीं है तो फिर राजस्थान में सरकार लाने में भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। सहमत है ना? सहमत है ना भाइयों बहनों? अगर उत्तर प्रदेश में और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर का कार्य हो पाता क्या? क्या ये काम कांग्रेस करती क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आपकी आस्था का सम्मान नहीं कर सकती। और याद करिए, अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती तो कन्हैया लाल जैसे निर्दोष नागरिकों की हत्या होती क्या? और ये सरकार तो मुआवजा देने में भी भेदभाव करती है। कन्हैया लाल के परिवार को मुआवजा दिया जाता है 5 लाख रुपया, और दो मुस्लिम मोटरसाइकिल में आपस में टकरा करके जयपुर में मरते हैं, उनको दिया जाता है 20-20 लाख रुपया। कांग्रेस की घोषित नीति है भाइयों बहनों, आपने देखा होगा
मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने हर गरीब के घर में शौचालय दे दिया। 9 वर्ष में 12 लाख गरीबों के घर में शौचालय।